आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आयो के अंदर सस क्लॉक होता है, जो कि नो पावर में रिलेटेड हमें उसको चेक करना होता है, उसका जो डिज़ाइन होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, वो हम इस वीडियो में DSO की मदद से देखेंगे। तो DSO मैं आपके सामने रख देता हूँ और उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे। तो ये मेरे पास मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के ऊपर हम देखेंगे सस क्लॉक। तो इसको मैं माइक्रोस्कोप में ले लेता हूँ और माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख लेते हैं। तो मैंने इसे माइक्रोस्कोप में ले लिया है। इस मदरबोर्ड का डायग्राम यहाँ पर है और सस क्लॉक का जो पिन है वो 77 नंबर पिन है। तो 77 नंबर पिन पे सस क्लॉक का डिज़ाइन हम देखने वाले हैं। आप DSO के अंदर देख सकते हैं, मैं 77 नंबर पिन पे आपको दिखाता हूँ। तो 77 नंबर पिन पे चेक करना है, बोर्ड को मैं पावर दे देता हूँ एंड 77 नंबर पिन पे आपको जो काउंटिंग है वो यहाँ से 32, 64 एंड इस साइड पड़ेगा आपका 77 नंबर पिन। तो 77 के लिए मैं एक मिनट काउंट कर लेता हूँ। तो मुझे इस ग्राउंड को यहाँ से हटाकर दूसरी साइड लगा लेना है एक बार एंड 77 नंबर पिन चेक करना है। तो मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ, 32, 64, 65, 70, 75। तो 77 नंबर पिन पे मैंने टच कर दिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ 77 नंबर पिन। अब मैं बोर्ड को ऑन कर रहा हूँ, बोर्ड को ऑन नहीं, पावर दे रहा हूँ मैं। पावर देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो का बटन प्रेस कर देता हूँ मैं। तो याद रखना, सस क्लॉक जो होता है, सस क्लॉक का जो डिज़ाइन है वो हमेशा इसी तरीके से आता है। सस क्लॉक का डिज़ाइन इसी तरीके से मिलेगा, आपको ऑटो का बटन प्रेस कर देना है, उसके बाद ये मिलेगा। अगर आप इसका डिज़ाइन अलग तरीके से देखना चाहते हो तो आप अपने टाइम को इस तरीके से भी आप देख सकते हो। बेसिकली एक टाइम होता है DSO के अंदर, आपने देखा होगा ये सेकेंड डिवीज़न, ये वाला जो बटन है, इसके हिसाब से आप कम ज़्यादा करके आप अपने सस क्लॉक के डिज़ाइन को देख सकते हैं, ठीक है। तो सस क्लॉक इसी तरीके से आता है, आपको याद रखना है। आयो में अगर आप कभी सस क्लॉक देखते हो तो सस क्लॉक का डिज़ाइन सेम इसी तरह होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे आपको सस क्लॉक दिखाना था एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।